Hello everyone, welcome to Math by Rishi. We are doing integration, indefinite integration, and today our focus would be mainly on the trigonometrical identities which are supposed to be integrated. Agar hamare paas kabhi bhi sin ax integrate karne ko aata hai, ya fir, let's say k times cos bx integrate karne ko aata hai. तो ये सब कोई टेंशन वाली बात नहीं, इतना तो हम लोग सीख चुके हैं, राइट? साइन की इंटीग्रेशन कितनी होती है? माइनस कॉस होती है, तो मैं लिख दूंगा माइनस कॉस ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज ए प्लस सी. आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस. सिमिलरली के इज नेवर अ प्रॉब्लम, के को मैं एज इट इज रखूंगा. कॉस बी एक्स का कितना हो जाएगा? साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो कितना है? बी दिस टाइम प्लस सी. इस तरह की बातें हमने अभी तक काफी की हैं और हमें आती हैं, राइट? ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है. इंडिविजुअल इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज या सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि आप किसी भी गिवन एक्सप्रेशन को यू शुड कन्वर्ट इट इनटू एन इंटीग्रेबल फॉर्म, राइट? जैसे कुछ सिंपल बेसिक एग्जाम्पल्स लेते हैं. लेट्स से अगर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स आता है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये वाली बात तो हमें नहीं आती है, राइट? वी डोंट नो हाउ टू इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स. यहाँ कोई चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन तो नहीं है. चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन तो था, बट चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन ऐसा कुछ भी नहीं है. तो इसे हमें कुछ ऐसे फॉर्म में करना पड़ेगा जो कि रिकॉग्नाइज्ड है. यहीं पे ट्रिगोनोमेट्री की इंपॉर्टेंट रोल विल कम. तो कौन कौन से फॉर्म्स आपको फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, आप उनको कैसे डील करोगे? जिन्होंने भी क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्री की ठीक ठाक से पढ़ाई की है उनके लिए ये टॉपिक बहुत ईजी है, और जिन्होंने नहीं की है उनको अभी पढ़ना चाहिए ध्यान से वो सारे आइडेंटिटीज, ताकि आप इन क्वेश्चंस को इजीली डील कर सको, ठीक है? तो मैं इसको कैसे देखता हूँ? अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स है, ओके. सो साइन स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे देखता हूँ कि अच्छा, टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टू से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि कॉन्स्टेंट कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता नहीं है. और टू साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा ये तो याद आता है क्या? वन माइनस कॉस टू एक्स और डिवाइडेड बाई टू, लेट इट बी इट इज. यानी इसी टर्म को आप लिख सकते थे, 1 बाई 2 को बाहर ले जाते और बोलते 1 माइनस कॉस 2x dx. कितना आसान हो गया, राइट? सो डैम इजी, राइट? अब देखो इसको कैसे डील करोगे. 1 का तो तुम्हें पता ही है, 1 का क्या हो जाएगा? 1 का x हो जाएगा, और cos 2x तुम्हें पता है ये क्या हो जाएगा? sin 2x upon 2, राइट? सो दैट वुड बी sin ऑफ 2x upon 2. इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कभी नहीं भूलना, ठीक है? I hope you get this. कुछ और सोचते हैं. अगर यहां पे अपने को बोल दें what is the integration of sin cube x, sin cube x, sin cube 3x, जो मर्जी ले लो, right? Let's say sin cube ax बोल लेते हैं, ठीक है? sin cube ax with respect to dx. अब इसको इंटीग्रेट करना है, फिर से थोड़ी ट्रिगोनोमेट्री सोचनी पड़ेगी, है ना? फिर से थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्री सोचनी पड़ेगी. ये ट्रिगोनोमेट्री वाला जो बॉक्स है ना, इसको अलग बना देता हूं, ताकि अगर तुम में से कुछ लोग 11th क्लास में थोड़ी कम पढ़ाई करके आए हैं तो उनको इस डब्बे पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, दिल अंडरस्टैंड, ओके? साइन स्क्वायर एक्स था तो हमने ऐसे डील किया. अब कैसे सोचूंगा? अब मुझे याद रहना चाहिए कि जो साइन 3x है ना, साइन 3x ये क्या होता है? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स. अगर आपको ये याद है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो आज के बाद तो यार ध्यान रखना ही पड़ेगा. यू नीड टू रिमेंबर दिस. यहां से आई कैन ऑलवेज बी वेरी श्योर कि साइन क्यूब एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ? साइन क्यूब एक्स मैं इधर लेके आया तो यहां मेरे पास कितना रह गया? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई वॉट? 4, ठीक है? अब इससे क्या हुआ, जो हमारे पास पार 3 थी अब ये लीनियर में कन्वर्ट होगी, और लीनियर इज अ वेरी इंटीग्रेबल फॉर्म, कोई चक्कर ही नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? सिमिलरली यहीं पे इस बात को भी डिस्कस करते हैं कि सपोज करो अगर cos cube x होता तो क्या करते, तो कोई टेंशन नहीं है, फिर वहां पे हमें cos 3x पता होना चाहिए, राइट? cos 3x पता होना चाहिए. व्हाट इज दिस? 4 टाइम्स ऑफ cos cube x माइनस 3 cos x, ठीक है? तो मैंने इस पे एक वीडियो भी बना रखी है, कई बार मैंने आपके ग्रुप पे शेयर कर रखी है, अगर आपने नहीं देखा है यू प्रॉपर रिक्वेस्ट, मैं दोबारा से वो वीडियो भेज दूंगा. Important trigonometrical identities for calculus, right? It's 1 hour video, close to 1 hour video, where I have discussed
all the important identities along with their understanding part so that you can get a fair idea कि किस तरीके से कौन सी identity को याद रखना है, ठीक है? तो अगर आपने नहीं देखा है प्लीज आज दैट ऑन द ग्रुप, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? ऐसे हालांकि शायद वो पब्लिक वीडियो ही है, आप उसको चाहो तो ढूंढ भी सकते हो मैथ्स बाय ऋषि यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो कॉस क्यूब एक्स अगर होता तो मैं इसको सेकंड को यूज करता, राइट? अब साइन क्यूब एक्स अगर मैं इसको सॉल्व करना है तो साइन क्यूब एक्स है तो क्या यूज करें भाई, कोई टेंशन नहीं। इसको मैं पहले इसको अपने सॉल्व करने वाले कलर में लेके आते हैं, तो इसको मैं साइन क्यूब एक्स को पहले तो 1/4 बाहर चिपका दूं, चलेगा ना? इंटीग्रेशन कितना आएगा, 3 times ऑफ साइन एक्स। अब साइन एक्स यहाँ पे क्या बनेगा, साइन ए एक्स बनेगा, राइट? दैट विल बी व्हाट, साइन ए एक्स माइनस साइन का 3 times, एंगल का 3 times, तो कितना हो जाएगा, 3 ax। आई होप ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल इन ऑल दीस थिंग्स। अब इसको इंटीग्रेट करने में तो थोड़ी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। साइन का कितना हो जाता है बच्चों, माइनस कॉस होता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, ये 1/4 तो ऐसे ही रह जाएगा, लेट इट बी 1/4, इसको बाहर रहने देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ 3 एज इट इज रहेगा, यहाँ मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस साइन लगा दूं बाहर, माइनस साइन लगाता हूँ, कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ ए एक्स अपॉन ए, और माइनस का माइनस ये क्या देगा मुझे, प्लस देगा। ये क्या देगा बच्चों, दिस विल बी कॉस ऑफ 3 ax अपॉन में क्या बोलूंगा, 3 a बोलूंगा, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वही आएगा, साथ में प्लस सी करना मत बोलना, ठीक है? थोड़ा यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, आई होप यू डोंट माइंड दैट, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक्स जो हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है? साइन स्क्वायर एक्स है, साइन क्यूब एक्स है, कॉस स्क्वायर, क्या बोल रहे हो, नहीं चल रही है, मतलब कूलिंग नहीं कर रही है, तो रहने दो, हमें क्या करना है, कूलिंग वूलिंग पढ़ाना है, कूलिंग वूलिंग देखना है। ओके, तो इस तरीके से कुछ भी अगर बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे इतनी नॉलेज आपके पास काफी है। बट इसके अलावा कुछ और कंस्ट्रेंट्स भी आपको दिखेंगे, जैसे आपको कुछ ऐसा भी दिख सकता है, यू कैन फाइंड समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, कि अगर इन्होंने दे दिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये उससे भी ज्यादा आसान है, राइट? या फिर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, या फिर कॉस लेट्स से ए एक्स एंड बी एक्स, है ना? अलग अलग कोफिशिएंट्स ले लो, अलग अलग एंगल्स ले लो, अगर ऐसा आ गया तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा, अगर सेम आ गया फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है ना? तो यहाँ पे भी हमारे पास, हमने ट्रिगोनोमेट्री में ये सब कुछ पढ़ रखा है। आओ चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम इस पे लगा लेते हैं, राइट? ताकि अगर तुम में से कुछ लोगों ने थोड़ी कम पढ़ाई की है तो तुम्हें याद रहना चाहिए। ये वाला केस मैंने डिस्कस कर लिया ना, साइन स्क्वायर एक्स को कैसे डील करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। 2 sin² x क्या होता है बच्चों, 1 - cos 2x होता है, ठीक है? तो बेसिक बेसिक बातें हैं, आपको ध्यान रहना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 + cos 2x होता है, ठीक है? 1 + cos 2x होता है। और ये अभी हमने देखा था शायद, ये कितना आ रहा था मुझे याद नहीं रहता यार, राइट? आई होप अभी चेक कर लेंगे, लेकिन एक बार मैं गेस करता हूँ, आई थिंक 3 times ऑफ साइन एक्स और माइनस साइन 3 x, एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है? मैं, मुझे ध्यान नहीं रहते फॉर्मुलेज, राइट? अगर आपको ध्यान रहते तो अच्छी बात है, तो आप ये एक बार चेक कर लीजिए, 3 sin x - sin 3 x / 4, बिल्कुल सही है, ठीक है? तो आसानी से आप ये सब, मतलब जितना प्रैक्टिस कर लो उतना बढ़िया रहता है, ठीक है? इस तरह की चीजें आप जितनी प्रैक्टिस कर लो उतना बढ़िया रहेगा। सिमिलरली कॉस क्यूब एक्स मैंने मतलब ऐसे याद रखा हुआ है, राइट? अब तुम सोचोगे सर अगर याद नहीं तो करते कैसे हो, तो मैंने देखो कुछ चीजें जो बिल्कुल मैंडेटरी हैं बस उसको मैंने याद रखी हुई हैं, ठीक है? हालांकि डेरिवेशन वगैरह भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ये सब आपको बता रखा है, लेकिन हाँ कुछ चीजें अब बार बार डिराइव करना तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा ना, तो कुछ चीजें मैंने याद रखी हैं। जैसे मैंने सिर्फ ये याद रखा हुआ है साइन 3 x, मैंने कैसे याद रखा हुआ है भाई, ये मेरे पास 3 sin x है -4 sin³x है, ठीक है? तो बस मुझे इतनी सी बात लिखनी पड़ती है साइन क्यूब एक्स को लिखने के लिए, और कॉस 3 x मैंने याद नहीं रखा हुआ, मैंने इसके रेफरेंस में इसको ध्यान रखा हुआ है। जैसे cos 3x है ना, तो बस यहाँ पे कोफिशिएंट्स को आगे पीछे कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 4 cos³x - 3 cos x, मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है, समझ ना गई ना, मैंने ऐसे याद रखा, बाकी आपकी मर्जी है, जो भी लॉजिक लगता है, जो भी कॉन्सेप्ट लगते हैं, आप कितना रिटेन कर लेते हो, दैट सर्टेनली इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से अगर मैं cos क्यूब एक्स को सोचता हूँ तो मुझे कैसा दिखता है, नीचे तो 1/4 दिखता ही दिखता है, और यहाँ पे आपको क्या दिखता है, यहाँ मुझे दिखता है cos ऑफ 3x प्लस 3 times ऑफ cos x, ठीक है? तो ये सारी बातें बहुत बेसिक हैं, इजी हैं, और इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है?
अब ये चार तुम्हारे पास बड़े अच्छे केसेस हैं, राइट। मैं भी इसी की बात पीछे शुरू की थी मैंने लास्ट स्लाइड पे। ये चारों बातें भी बिल्कुल बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से निकल के आती है, ठीक है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, जैसे कि कभी भी तुम्हारे पास कुछ ऐसा आ जाए, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी, ठीक है, या फिर ट्वाइस ऑफ कॉस ए साइन बी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, तुम में से कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे सर ऊपर और नीचे में क्या अंतर है, ए और बी तो कोई भी एंगल ही। रिलैक्स, जस्ट हैव सम पेशेंस, आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस। आपके पास आ रहा है ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी, या फिर आपके पास आ रहा है ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी। यही चार कॉम्बिनेशन घूम फिर के हमें मिलते हैं, ठीक है, यही चार कॉम्बिनेशन मिलते हैं। अब अगर आपने अगेन बेसिक्स को पढ़ रखा है तो ये सब बातें आपके लिए आसान है, और अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ी तो परेशानी वाली बात हो जाती है, ठीक है। बिकॉज इसको इंटीग्रेट करना कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। व्हाट इज द रियल चैलेंज, दैट हाउ इजिली आर यू एबल टू कन्वर्ट दैट एक्सप्रेशन इनटू एन इनटू इंटीग्रेबल फॉर्म, एज करेंटली दे वोंट बी इन द इंटीग्रेबल फॉर्म। सो फॉर दैट यू शुड हैव गुड साउंड नॉलेज ऑफ द बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। अब जैसे ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी, इन चारों फॉर्मूले में जो मैंने लिखा है ना, इसमें मैं हमेशा एक इसको लेता हूँ विच इज ग्रेटर, जो भी बड़ा है मैं उसी को ए लेता हूँ, राइट। अगर मेरे पास कभी क्वेश्चन में आ गया लेट्स से साइन 3x इंटू कॉस 5x, अगर ये ऐसा आ गया तो मैं इसको कैसे डील करूंगा, मैं इसको कॉस ए साइन बी पढ़ूंगा, टू से डिवाइड करूंगा, टू से मल्टीप्लाई करूंगा। कौन सा फॉर्म आएगा मेरे पास, ये सेकेंड फॉर्म होगा, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा मेरे लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। ए हैज टू बी ग्रेटर देन बी, मल्टीप्लीकेशन है, यू नो ए इनटू बी एंड बी ए इनटू ए, दैट इज ऑल द सेम, ठीक है। तो ए और बी कैसे चूज करोगे, व्हिच एवर इज ग्रेटर, राइट। देखो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी सिली मिस्टेक, दी सिंपल यू नो लॉजिकल कनेक्शंस वुड आर गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दैट, यहाँ पे हमेशा मैं ए किसको कंसिडर करूंगा और बी किसको कंसिडर करूंगा। ओके, सो दीज आर सम फॉर्मुलेज दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेयर, साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी का सम आइए, ठीक है। साइन ए प्लस बी से क्या मिलता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ से क्या मिलता था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, तो प्लस माइनस का सेकंड टर्म कैंसिल हो गया, बचा गया ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी, ठीक है। सिमिलरली टू कॉस ए साइन बी आपके पास क्या देगा, आपके पास ये आपको देगा साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ऑफ ए माइनस बी। मैंने ये आपको सजेस्ट किया इन सब में ए को हमेशा बी से बड़ा रखना, ऑलवेज। इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। इस जगह पे अक्सर बच्चे सिली मिस्टेक कर देते हैं, ध्यान रखना, बट मैं एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा हूँ कहाँ बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, ठीक है। सो ए हमेशा किसको लोगे, उसका ऑर्डर चाहे कुछ भी है, राइट। इसमें मैं कॉस 5x को 5x को ए लूंगा, ऐसा नहीं है कि जो टर्म पहले उसको ए लूंगा, नो, जो बड़ा है मैं उसको ए लूंगा, सो दैट आई डोंट कमिट एनी सिली मिस्टेक, ओके। ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी है हमारे पास, ये कहाँ से आता है भाई, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी क्या आपके पास, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो आपका यहाँ पे साइन ए साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाता है, सो ऑन, ठीक है। तो ये चारों चीजें हम यूज करते हैं जब हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है, राइट, इस फॉर्म में होता है। आओ लेट्स राइट इट डाउन, आइए इसको लिख के देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या करोगे, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड, ठीक है। उसके बाद तो खैर कोई टेंशन है ही नहीं, टू से जो तुमने डिवाइड किया वो तो एज इट इज डिनोमिनेटर में बना रहेगा। ये कितना आ जाएगा बताओ, साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी कि इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे मैं एम प्लस एन लिख दूँ, है ना, बिकॉज यहाँ तो अभी फिलहाल हमें पता नहीं है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो लेट्स अस्सुम एम इज ग्रेटर, ठीक है। एम प्लस एन लिखा इंटू एक्स लिखा, एक्स मैंने बाहर रखा, ये ध्यान रखना ही पूरा मल्टीप्लीकेशन में एम प्लस एन इज वॉट, दैट इज ऑल एंगल, ठीक है। प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, साइन ऑफ एम माइनस एन इंटू एक्स, ठीक है। इसी तरीके से तुम किसी भी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हो रैंडमली, लेट्स से मैं ये थर्ड की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या करूंगा, टू से मल्टीप्लाई करूंगा और टू से डिवाइड करूंगा, ठीक है। टू से मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड किया, कौन सा फॉर्म है ये, ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी का फॉर्म है, द थर्ड फॉर्म, राइट। इसको मैं कैसे लिखने जा रहा हूँ, टू तो हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा ही होगा एज इट इज, राइट। दिस इज वॉट, दिस इज कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब यहाँ पे या तो एम एक्स माइनस एन एक्स लिख लो, या चाहो तो एम माइनस एन को कॉमन ब्रैकेट में रखो और एक्स को बाहर ले लो, मर्जी है आप।
यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास cos ऑफ m प्लस एन, यानी कि mx प्लस nx, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कैसे डील करोगे, द सेम थिंग वुड कंटिन्यू राइट, फोर्थ फॉर्म वुड कम हेयर, ये क्या हो जाएगा cos ऑफ a माइनस b, सो mx माइनस nx एंड माइनस cos ऑफ a प्लस b, a प्लस b इज व्हाट mx प्लस nx, डोंट फॉरगेट टू डिवाइड इट बाय 2, ये मत बोलना, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी व्हेन एवर यू डील विद क्वेश्चंस ऑफ द कमिंग टू एक्सरसाइजेस। आइए देखते हैं, लेट्स गो थ्रू सम क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन मैं पिक करना चाहूंगा जो हमने अभी तक नहीं लिया, जैसे कि ये फोर फोर आ गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, रिलैक्स, टू से मल्टीप्लाई करो और टू से डिवाइड करो, ठीक है। देखो स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, और टू से मल्टीप्लाई भी नहीं, ये जैसे पावर फोर, चलो लिख देता हूँ, आई विल राइट इट। ये तुम्हारे पास कितना है, कॉस की पावर फोर है राइट, कॉस की पावर फोर है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने यहाँ पे फोर इंटू कॉस की पावर फोर टू एक्स अपॉन फोर, ऐसा लिख सकता हूँ, मैं सिर्फ एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, I just want to convert this expression into an integrable format. ठीक है, तो मैं सिर्फ अभी expression लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मेरे पास power 4 है, मैंने 4 से multiply किया, divide किया, ऐसा क्यों करा? शायद आप में से कुछ लोग सोच पा रहे हो, मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं इसको 2 cos square, जो भी theta है, theta 2x है, 2x ही लिखूंगा, right? theta को तो मैं change कर नहीं सकता ना, तो 2 cos square 2x और इसका whole square, ऐसा लिख सकता हूँ ना, नीचे जो 4 है वो है, करेक्ट, 2 का square is 4, and this is how I'll break it. Why am I doing so? Because मुझे ध्यान आता है कि 2 cos square theta is what? 2 cos square theta is 1 plus cos 2 theta. ठीक है? तो इस expression को मैं लिखूंगा 1 plus cos 2 theta. यानी 2x theta है, तो 2 theta कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा. Let's not forget, इसका हमें square करना है. तो बस अगर power बड़ी आ रही है, तो थोड़ी सी calculation तुम्हें extra करनी पड़ जाएगी, ध्यान रखना. स्क्वायर है क्यूब है तब तो उसके लिए डायरेक्टली हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अगर स्क्वायर क्यूब से बड़ी है तो वहां पे तुम्हें एक स्टेप एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टेंशन की बात नहीं होगी, द ओनली थिंग वुड बी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। हाँ, एक और चीज मैं तुम्हें भी बताऊंगा जब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज इस बार तो टर्म वन में भी एमसीक्यूज हैं, कॉम्पिटिशन में हमेशा ही एमसीक्यूज होते हैं, तो एमसीक्यू में इतने लेंदी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को डील नहीं करेंगे, वहां पे विल यूटिलाइज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन राइट, बिकॉज सी integrating is quite a, I mean you can say lengthy process, but differentiating is a very fast process and it's very easy and confident process. तो कई बार जब कुछ expression थोड़ा lengthy दिखता है ना, तो मैं तो क्या बोलता हूँ, option को differentiate कर दो, जिस option को differentiate करके question बन गया वही तुम्हारा answer है, ठीक है। तो खैर उसकी बात हम करेंगे, but basics और foundation strong रखना है, इसलिए इन process को भी सीखेंगे, ठीक है। अभी अगर directly उस पर चले जाओगे तो basics पे तुम्हारा फिर दिल नहीं लगेगा, इसलिए पहले इनको सीखते हैं। अब क्या करना है, इसको स्क्वायर करते हैं, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर 4x एंड प्लस 2ab। अब तुम्हें सिर्फ ये सोचना है ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जो इंटीग्रेबल नहीं है, जिसमें हमें परेशानी आ रही है, तो मुझे सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट ऐसा दिखता है जो थोड़ी बहुत परेशानी क्रिएट कर सकता है, तो क्या करें, कोई टेंशन नहीं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बाकी सब तो इंटीग्रेबल है राइट, 1 by 4, no tension. ये तीसरा वाले को भी ऐसे लिख दें, cos 4x by 2 लिख दें, cos 4x upon 2. अब बात आती है इसका क्या करें, तो भाई 8 तो कोई चक्कर नहीं, 2 into 4, 8, and twice of cos square theta is what? 1 plus cos 2 theta. Theta is 4x, so 2 theta is what? 8x. That is what you have made out of cos square 2x. अब इसको जब आप integrate करोगे, अब आप इसको अगर let's say integrate करते हो, तो एनी चाइल्ड कैन डू दैट राइट, कितना हो जाएगा, दिस वुड बी एक्स अपॉन फोर, कॉस फोर एक्स का कितना हो जाएगा भाई, साइन फोर एक्स हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय फोर करोगे तो फोर टू जा एट, लिख दूं क्या, लिख देता हूं, ठीक है। ये वन बाय एट अलग है, ध्यान रखो, तो इसका क्या देख क्या मिलेगा हमें, एक्स बाई एट मिलेगा, ठीक है, और ये कॉस एट एक्स बाई एट है, तो यहाँ से कॉस एट एक्स का क्या आ जाएगा, साइन एट एक्स आएगा, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 क्या बोलूंगा, 64 बोलूंगा प्लस 3। आप चाहें थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि इन दोनों को आप चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए,
एलसीएम 8 आ गया, इधर कितना आ गया, 2 और 3, यानी कि ये आप लिख सकते थे 3x/8, ठीक है, प्लस साइन 4x चाहो तो 1/8 कॉमन ले लो, है ना, मर्जी है तुम्हारी, जितना मतलब सब्जेक्टिव में तो ठीक है, जितना सिंप्लीफाई कर लो उतना बढ़िया है। और सिंप्लीफिकेशन में हमेशा क्या कहता हूँ, सिंप्लीफिकेशन इज ब्यूटिफिकेशन, एक्सप्रेशन जितना ब्यूटीफुल है वो उतना सिंप्लीफाइड है, ठीक है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर कितना सिंप्लीफाई करें, तो मैं तो कहता हूँ यार जितना जब तुम्हें ब्यूटीफुल लगने लगे तो सिंप्लीफाइड हो गया, ठीक है। अभी 1/8 अगर कॉमन लेंगे थोड़ा अच्छा दिखने लग जाएगा। सो दैट इज हाउ यू वुड डील विद दीस क्वेश्चंस, आई होप इट इज क्लियर। कैन यू टेल मी द आंसर फॉर द सेवंथ वन, जल्दी से बताओ मुझे आंसर सेवंथ का कितना होगा, डू दैट फास्ट, बताइए। We'll discuss one question from the next exercise, especially when you have three terms that we have not dealt till now. ठीक है? तो जब कभी भी इस तरह के कोई क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप इसको कैसे डील करेंगे, आइए इसकी बात समझते हैं ध्यान से, ठीक है। देखो ये फिफ्थ क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, पहले मैं क्या करूंगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन को एक इंटीग्रेबल फॉर्म में लेके आऊंगा। अब यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रूल तो है नहीं डिफरेंशिएशन के तरीके से, है ना, तो देखो कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे इसको ना कुछ ऐसे लिखूंगा, ये साइन 2x है और ये मेरे पास साइन 6x है, और साइन 4x को मैं इधर आगे ले जाके रखता हूँ, आई होप तुम्हें इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट के अंदर लगाया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, चलेगा ना, कोई टेंशन तो नहीं है, राइट। अच्छा क्यों करा भाई, क्योंकि मुझे वो ध्यान आता है ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी, ए हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, ये हमने आपको सिखाया है। सो ये मैं किसको लूंगा, 6x को लूंगा, राइट। क्या आता था ये cos of a minus b, यानी कितना 4x में से 4x किया कितना 4x हो जाएगा 6 minus 2x, है ना, minus cos of a plus b, a plus b कितना देगा हमें 8x देगा। तो ये वाली बात कहीं ना कहीं तुम्हें समझ में आई होगी, ठीक है, राइट। तो अगर तीन एक्सप्रेशन आ जाए चार आ जाए घबराना नहीं है, बस रिलैक्स होकर के जितना सीखा है उसको सही तरीके से अप्लाई करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब क्या करूं, ब्रैकेट ओपन करता हूं ना, टेंशन क्या है, ये कितना है, दिस इज साइन 4x इनटू कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2 एंड द नेक्स्ट वन इज कॉस 8x साइन 4x डिवाइडेड बाय 2। अब यहां मुझे कुछ नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, ये क्या दिख रहा है मुझे, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए, व्हाट इज दैट, साइन 2a, सो दिस इज साइन ऑफ 8x डिवाइडेड बाय 4। ये वाला दूसरा फॉर्म क्या दिख रहा है, ट्वाइस ऑफ कॉस ए साइन बी, राइट। अब देखो मैंने क्या बोला, बहुत ध्यान से चीजों को अप्लाई करना, ए हमेशा बड़ा, यानी क्या है यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना 12x माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी कितना 4x। अब आप बताओ क्या इसको इंटीग्रेट करना किसी के लिए भी मुश्किल काम है, क्या हम इसे इंटीग्रेट कर पाएंगे, सर्टेनली यस, है ना। अभी टाइम ओवर हो जाएगा तो सकता है वीडियो बीच में रुक जाए, कोई बात नहीं, आप इसके आगे कहानी खुद से भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी चलो इतना टाइम में मैं करने को